हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू बीकेबी स्पेशल एंड आई एम मीनाक्षी, योर होस्ट फॉर द शो। आज हमारे साथ एक बहुत ही यंग और टैलेंटेड गेस्ट हैं। अब वो कौन है उनके बारे में जितना बताऊं उतना कम है। ही इज़ एन ऑथर, ही इज़ यंग एक्टिविस्ट, ही इज़ पब्लिक स्पीकर। वैसे तो बॉर्न एंड बॉटम नागपुर के हैं, लेकिन मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन में अभी BBA कर रहे हैं। वेल, इसके साथ साथ सबसे प्राउड मोमेंट इज दैट ही हैज़ बीन फेलिसिटेटेड विद द नेशनल यूथ अवार्ड, विच इज़ अ बिग थिंग। और इसके साथ 7 people, आई थिंक राइट सिद्धार्थ, 7 people वर बीन सिलेक्टेड और अक्रॉस इंडिया, एंड ही इज़ अ वन फ्रॉम महाराष्ट्र, ओनली वन who belongs from Maharashtra, right? Successfully 4 TEDx speeches दे चुके हैं, 50 से ज़्यादा seminars कर चुके हैं, workshop कर चुके हैं। Apart from writing and blogging and speeches के अलावा, he has been into several organization के साथ associate कर चुके हैं, working on some wonderful projects, community के लिए, society के लिए, और बहुत कुछ है बताने के लिए। आई थिंक सिल्वर मेडल भी इन्होंने हासिल किया है स्पोर्ट्स में, बैडमिंटन में, राइट सिद्धार्थ? सो वी हैव सिद्धार्थ रॉय विद अस, वेलकम टू आवर स्टूडियो सिद्धार्थ। सिद्धार्थ एक ना मेरे लिए बहुत करीबी, एक बहुत एक मेरे लिए एक चाइल्ड की तरह है, बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर द डे जब सिद्धार्थ, आई थिंक सिद्धार्थ यू वर 17, राइट? 17, सिर्फ 17 की उम्र थी जब इन्होंने पहली बुक लिखी थी। एंड जब ये मुझसे मिले थे, आई स्टिल रिमेंबर द डे ही वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी विद द बुक, और ये बोल रहे थे कि मुझे ये बुक पढ़ने के लिए दे रहे थे, एंड आई इंटरव्यूड हिम फॉर द फर्स्ट टाइम। सो दैट आई फील सो प्राउड कि यू हैव कम सो लॉन्ग, इतनी लंबी जर्नी। मैं सबसे पहले हूँ, जस्ट 17 एंड यू रोट द फर्स्ट बुक, क्या कहोगे? सो ऑल ऑफ अ थिंग हैपेंड ऑल ऑफ अ सडन, एकदम से। आई नेवर प्लान्ड ऑन राइटिंग अ बुक। मैंने तो सिर्फ वो एक शॉर्ट स्टोरी एक मेरे क्लासमेट के नोटबुक में लिखा था। सो नोटबुक में लिखने के बाद भी, मतलब मैं लिखता रहता था बचपन से, लिखना मुझे बहुत पसंद था। बट ऑल ऑफ अ सडन जब घर पे डांट पड़ती है कि आपने नोटबुक का एक पन्ना क्यों वेस्ट किया है, वो भी नए क्लासमेट नोटबुक का, देन आपको लगता है यार सही में क्यों किया मैंने वो पन्ना वेस्ट। बट देन माय डैड ऑल ऑफ अ सडन ही कॉल्ड द पब्लिशर, एंड ही वाज, उनके दोस्त थे वो, सो उन्होंने बात किया, एंड फ्रॉम नोवेयर ही टोल्ड मी टू राइट अ बुक। सो दैट वाज लाइक कैसे लिखने वाली फीलिंग है, लिखते कैसे वैसे वाली फीलिंग। बट वहाँ से देन इट गॉट पब्लिश, देन वहाँ से पीपल स्टार्टेड लाइक, वहाँ से लोग पढ़ने लगे, लोगों को अच्छा लगने लगा, एंड दैट वाज द फीलिंग लाइक आई मुझे लिखना इतना पसंद था तो मैं क्यों नहीं लिखता था। सो दैट वाज द फीलिंग, दैट वाज द पॉइंट फ्रॉम व्हिच एवरीथिंग स्टार्टेड। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट फीलिंग, एंड एवरीथिंग गोज बैक टू दैट पॉइंट। सिद्धार्थ, 17 एक ऐसी एज जहाँ पर हम इतने ज़्यादा मैच्योर नहीं होते, मैच्योरिटी और इमैच्योरिटी का वो लेवल होता है बीच का, व्हेन वी गेट सो कंफ्यूज्ड अपनी चीज़ों को लेकर कि आगे क्या करना है, अभी क्या करना है। राइटिंग अ बुक इट्सेल्फ, एक पूरी बुक हम जब लिखने बैठते हैं तो थोड़ा बहुत लिखना और एक पूरी स्टोरी लिख डालना, क्या ये इंस्पिरेशन मिली तुम्हें, किस तरह से मिली राइटिंग अ फुल एक पूरी स्टोरी? सो आई बिलीव ये सब कुछ ये जो आपको पसंद है, जिसमें आपको डेडिकेशन हो, जो चीज़ आपको सही लगे वो करने के लिए। अगर आप मेरा ही आप एग्जांपल ले लीजिए, मैथ साइंस मुझे कभी पसंद ही नहीं आता था, कितना भी ट्यूशन लगा लूँ मैं कभी उसमें अच्छे मार्क्स मिलते ही नहीं थे, शायद मैं सीखना भी नहीं चाहता था। आई वुड नॉट ब्लेम इट ऑन एंटायरली ऑन टू द सिस्टम, शायद मैं भी नहीं सीखना चाहता था। बट जब आपका एटीट्यूड किसी चीज के लिए रहता है कि मुझे ये चीज कंप्लीट करनी है, मुझे ये चीज बहुत पसंद आ रहा है, आपको मजा आता है, यू डू इट। अभी आप कितने भी छोटे रहो, कितने भी बड़े रहो, अगर आपको वो चीज में मजा आता है वो कर दो। और जब मैं लिखते गया, सो आई वॉज लविंग द जर्नी बिकॉज इट वॉज गिविंग मी न्यू थ्रिल्स। रोज सुबह उठना एक मोटिवेशन रहता था कि मुझे वो लिखना है, पार्क में बैठ के वो ट्यूशन का नाम लेके पार्क में बैठ के बुक लिखना, फिर ट्यूशन में कोई दोस्त आता था समझाने का, that was giving me new thrills, right. So when the entire journey happened, every time I believe ki sirf ye motivation aur attitude ka hi rehta hai, right. Jo cheez aapko pasand aati ho aap use definitely complete that moment is a moment that ki tumne pehli book likhi, logo ko pasand aane lagi, logo ko story pasand aane ke baad logo ne response dena shuru kiya, uske baad kya inspiration mila second book ke liye? So logo ne jab inspire kiya, logo ne critical review bhi diya ki ye shayad aur acha ho sakta tha, ye aur better ho sakta tha, yahan pe hame laga ki aap thode immature ho, so वही था मेरा इंस्पिरेशन कि नेक्स्ट बुक में ये जो लोगों ने कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म किया है इसको इम्प्रूव करना है। और तब आप धीरे धीरे ग्रो भी करते हो, तब आपको पता चलता है आप चीज़ों को और बेटर ऑब्जर्व करते हो, और आपको लगता है कि आप ये चीज़ों को भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो आपके नए नॉवल में। और लोगों ने जो बोला है एक पॉजिटिव वे में, एक कॉम्पिटिटिव वे में, उसको लेके एक स्पोर्टिव स्पिरिट में राइट द सेकेंड बुक। सो द सोसाइटी एंड द पीपल हु गेव मी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म वेर द पायनियर्स फॉर द
सेकंड. ओके, ये क्रिटिसिज्म जो है ना, ये हर किसी को मिलता है, हर फील्ड में मिलता है, हमें भी मिलता है, आपको भी मिलता होगा, आम जनता को भी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है. लेकिन क्रिटिसिज्म को आप किस तरह लेते हैं ये आप पे निर्भर करता है, और उसको पॉजिटिवली लेना ही मेरे ख्याल से आपके अच्छे के लिए बेहतर है. इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं एक धीरे धीरे आपकी बढ़ती गई. फर्स्ट बुक, सेकेंड बुक, सेकेंड बुक आई थिंक इट वॉज राइज इन लव. वॉट इज वॉट All about, वो स्टोरी क्या थी? So Rise in Love is again, मैं आपको दो प्रोटैगनिस्ट के बारे में बताता हूँ, that मतलब they narrate the story at the end of the day. So Abhi is a budding writer from Nagpur. So you can relate it to my life. And it the main thrust of the character is career choices, family battles, his father who wants him to do a traditional job versus he who is a creative guy. And it is his story, Abhi's story, his own struggles, how to dwell with all these things. Adhira, so the other protagonist is Adhira. So Adhira is itself, her name means brave actually, the brave, the courageous. So she focuses on her family trauma, her elder sister who had committed suicide because she was being raped, and how the society sees a rapist. So she faces, and how a younger sister who knows that elder sister has to face all these things. It is her story to dwell, to cope up with all these things. And when they two meet, Abhi and Adhira, they narrate the story, they take it forward. So it's a story of career choices, it's a story of societal stigma, it's a story of psychology, parenting, all combined in a story. ये एक लुक देता है एक्चुअली बहुत सारे अपने अपनी लाइफ के सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू को. हाउ डू यू लुक टू लाइफ एंड करियर? So in terms of my own perspective, so I believe life is the only teacher and it's the forever teaches you many new things. So career mein, there is mere ek sir hai, Bhavik sir karke. So when I met him for the first time, he told me two things. Ki aapko kya karna hai, that is not important. Aapko wo cheez kyun karna hai, wo answer aapko hona chahiye. And wo kyun ka answer, life teaches you. So if you ask me my views on my career, maine ek book se shuru kiya tha. I'm studying media, I'm working on various other projects. So I believe jahan pe bhi aapko kuch seekhne mile, work on that, and life is the best teacher. Go with the flow, things will happen. Is teacher ne, is life ne, aur aapke itne dedication ne aapko bahut sare awards dilaye. And sabse bada achievement hai National Youth Award at such young age. What do you feel about this? मैंने जब मेरे कॉलेज के वाइस प्रेसिडेंट सर ने मेरे को बोला था इसके लिए अप्लाई करो, सो वो जब मैं अप्लाई करता था नेशनल यूथ अवार्ड, पता था कि मैंने सर बोला क्यों मजाक कर रहे हो, ये सब नहीं होने वाला, आप मजाक मत करो, कुछ दूसरा बताओ. देन ही सेड नहीं हो जाएगा, ही सेड. एंड ऑलमोस्ट 6-7 महीने बाद आफ्टर द एंटायर प्रोसेस, वन डे आई गेट अ कॉल एट 3 AM फ्रॉम वन ऑफ माई फ्रेंड. सो ही इज लाइक सिद्धार्थ, आई एम लाइक आई एम स्लीपिंग, व्हाई आर यू कॉलिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ही इज लाइक, ही इज अ साउथ इंडियन, ही इज लाइक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम लाइक, व्हाट हैपेंड? आई हैव सेंट यू अ PDF, प्लीज चेक. सो उसमें PDF में था कि नेशनल यूथ अवार्ड 2018-19 सात जनों की लिस्ट, उसमें मेरा नाम था सिद्धार्थ राय फ्रॉम नागपुर, महाराष्ट्र. सो आई वॉज, मैंने सोचा मजाक, डिड यू चेक एट दैट मोमेंट, की सोचा कि सुबह चेक करूंगा? नहीं, ही इज लाइक, वो होल्ड पे हूं मैं, आप चेक करो. सो उसने भेजा, मैंने सोचा यार ये मजाक कर रहा है, ऐसा हो नहीं सकता ऐसे ऑल ऑफ अ सडन. ही देन मिनिस्ट्री के साइड का लिंक भेजता है, एंड दैट नाइट वाज लाइक द बेस्ट नाइट, इट्स द लाइक वाइल्डेस्ट ऑफ ड्रीम्स, में आपने कभी नहीं सोचा है. एंड व्हेन दैट हैपेंड, एंड व्हेन आई टोल्ड माय पेरेंट्स, दे वर द मोस्ट हैप्पीएस्ट थिंग्स, एंड उनके व्हेन दे आर हैप्पी एंड द हैप्पीनेस मल्टीप्लाइज. Not only for your parents, it was actually a proud moment for our Nagpurians as well, or Maharashtra ke liye, because he was the only one who belongs from Maharashtra, and that's a big thing. Uske alawa, you have achieved many awards. Promising Youth Award, what was that? So Promising Indian is a society which conducts annual seminars, conference. Wo log conduct karte hai, har saal Delhi mein hota hai. I got it in 2019, if I'm not wrong, Delhi mein hua tha, wo award function. So that was about social entrepreneurship, the work which I was doing with the NGOs, with educational institutes. So they recognized that work and they honored me in the Promising Indian Conclave in Delhi. And that was a great, because that we also met Pranab Mukherjee sir as a part of our delegation. So that was a great moment for me indeed. इतने स्पीचेस दिए हैं सिद्धार्थ, टेडेक्स किए हैं 4, विच इज़ अ बिग थिंग, हर किसी को नहीं इनवाइट किया जाता टेडेक्स स्पीच के लिए. इतने सारे अच्छे अच्छे मुद्दों पे तुमने बात की है, राइट? आज का जो यूथ है, एवरी अदर यूथ हैज़ सम ऑफ दी अदर आइडियाज़ इन देयर माइंड, राइट? बट दे डिडंट गेट एनी प्लेटफॉर्म. प्लेटफॉर्म्स जो मिलना है वो बहुत मुश्किल है, और मिलता भी है तो वो अच्छे से उसका यूटिलाइज नहीं कर पाते. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? सो
मैं अपने जर्नी से ही मानता हूँ कि प्लेटफॉर्म्स मिलना बहुत मुश्किल है, बट आई बिलीव अगर किसी के पास सही में कोई आइडिया है, कोई प्रोटोटाइप है, कोई प्रोजेक्ट है, कोई है, आप उस पर काम कीजिए. बिकॉज व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू वर्क उस आइडिया में डिटेल में ना, लोगों तक पहुँचाइए व्हाट यू आर वर्किंग ऑन. प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, कहीं ना कहीं से यू विल गेट द प्लेटफॉर्म. इट्स नॉट लाइक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा, बट इफ यू आर ट्रूली रेडी फॉर दैट प्लेटफॉर्म. एंड व्हाट हैपेंस इज व्हेन आई गेट अ प्लेटफॉर्म एंड आई एम नॉट एबल टू यूटिलाइज इट बिकॉज आई एम नॉट ready for that platform. So, platform मिलके भी आपको क्या फायदा हुआ? So, आप खुद को पहले उतना empower कीजिए कि आपको जब platform मिलेगा, you are able to sustain that platform's ripples or any effects that come into play. And talk with people, make good connections. Connections से platform मिलते हैं. Because if you, if I go on thinking मेरे को platform चाहिए, नहीं मिलेगा. Have organic reach वहाँ पे लोगों तक बात करो. मेरे जनरेशन में बता सकता हूँ. ये actually दिक्कत है आजकल की generation के साथ. मैं देखती हूँ कि उनमें करने की क्षमता तो बहुत होती है. They have so much of capability, लेकिन वो सोचते हैं जब मुझे प्लेटफॉर्म मिलेगा, मुझे ऐसी कोई अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा. बिकॉज आजकल की जनरेशन ना छोटी लेवल्स पे काम ही नहीं करना चाहती, दे वॉन्ट समथिंग बिग. बट मुझे लगता है कि बिग हासिल करने के लिए छोटे से ही गुजरना पड़ता है. हमने भी बहुत सी चीज़ें देखी हैं, हमने भी इतनी जर्नी ट्रैवल की. आप तो इतने यंग एज पे इतनी ट्रैवल किया आपने जर्नी, इतने लोगों से मिले हो, तो मुझे लगता है कि आप छोटी सी चीज़ों से ट्राई करो, देखना आपकी अगर मेहनत और डेडिकेशन बहुत तगड़ा होगा तो वो आपको ज़रूर मिलेगा. You have always been talking about the society ecosystem. ये आपका क्या नजरिया है? About the society and ecosystem, yes. So I always believe that society is something, is our own self that is being. मतलब when individuals form a group of individuals as a collective consciousness is a society. So I have been always preaching that there are two important things that individual has to focus. Okay. One, what is the society thinks, and one, what the individual thinks. Right. बहुत बार हम चीजें नहीं करते क्योंकि हम सोचते कि लोग क्या कहेंगे, लोग ये बुरा रहेगा, आप फोकस नहीं करते. So Rise in Love focuses on that as well, the societal stigmas. कोई चीज नहीं करना चाहिए versus society, and कोई चीज जो हमें लगता है करना चाहिए, what we feel is right. But again, there has to be a fine balance between आपको जो सही लगता है और जो लोगों को सही लगता है. बिकॉज हर बार लोग गलत नहीं होते हैं. बहुत टाइम रिबेल लोग, आई एम नॉट सेइंग इंडिविजुअलिज्म बैड, हम लोगों को इंडिविजुअलिस्टिक होना चाहिए, बट ऑल्सो ये भी रैशनली सोचना चाहिए कि वो लोग नहीं बोल रहे, क्यों नहीं बोल रहे. शायद राइटिंग एक फिजिबल करियर शायद है ही नहीं, एंड दैट इज द ट्रूथ. राइटिंग मतलब कितने राइटर्स कैन सस्टेन देमसेल्फ फाइनेंशियली. सो वन हैज टू बी इंडिविजुअलिस्टिक, बट ऑल्सो थिंक व्हाई दे आर सेइंग नॉट टू डू इट, एंड देन टेक अ फाइन कॉल. सो सोसाइटी एंड इंडिविजुअलिज्म गोज इन हैंड इन हैंड. They are two opposite poles, but again, if you think very polarized women, that is not the answer. Stay in center and think about both. Actually, how do you manage all these things? मतलब इतनी सारी चीजें करते हो सिद्धार्थ, मतलब writing है, अपना speech है, you are conducting so many seminars, you are running so many schools at ground level, इतनी सारी चीजें, how do you manage? हम तो दो तीन चीजों से ही थक जाते हैं यार. अगेन, अगर आप चीज मजा आता है, आप चीजों का आप करते रहते हो. सो इन द थिंग, आज सुबह ही मैं पांच पौली में गया था, वहां पे एक पब्लिक हेल्थ प्रोजेक्ट चल रहा था. अच्छा? वहां पे सो बिकॉज दैट ड्राइव्स मी, बिकॉज आई रियली वांट टू वर्क ऑन दैट काइंड ऑफ अ प्रोजेक्ट. सो व्हेन यू लव व्हाट यू आर डूइंग, आई गेस टाइम कोई फैक्टर रहता है ही नहीं. जस्ट नींद प्रॉपर, खाना प्रॉपर हो जाए, एंड देन दिन भर यू कैन वर्क, एंड दैट इज गिविंग मी थ्रिल्स. दैट इज वहां पे नए नए चीजें सीखने मिल रहे हैं. और लोग, बहुत लोग ऐसा भी बोलते हैं कि नागपुर में रहकर क्या होगा. अरे, मेरी पूरी जर्नी नागपुर से ही शुरू हो रही है, नागपुर में ही हो रही है. यहाँ पे इतने लर्निंग के एवेन्यूज है, सीखो करो. और यही अगर हम बढ़ाएंगे तो हमारे सिटी के लिए भी अच्छा होगा, सिटी के लिए भी अच्छा होगा. अगर सभी सोचेगी कि मेरे को बॉम्बे, पुणे या फिर बाहर जाके पढ़ना है, तो बॉम्बे तो डेवलप हो ही गया है, बट नागपुर तो फिर पीछे ही रह जाएगा ना. एक्चुअली यहाँ पर ना, मुझे हमारे यूथ को बार बार, ये मैं इसीलिए कह रही हूँ बिकॉज मैं देखती आई हूँ, मैं बहुत सारे फ्रेशर्स देखती हूँ, मैं बहुत सारे इंटर्न्स को देखती हूँ, और ये कहना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज अगर आपको काम करना है तो आपको अपने काम पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है. अचीवमेंट मिलेगा, सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे, ये वक्त बताएगा अगर आपका डेडिकेशन बना रहेगा. राइट, ब्लू स्काई आप हमेशा बात करते हैं थिंकिंग के बारे में, व्हाट्स दैट? सो ब्लू स्काई थिंकिंग का टॉपिक एक्चुअली मेरे फर्स्ट टेडेक्स उसका स्पीच था. सो फर्स्ट टेडेक्स स्पीच मेरा था ब्लू स्काई थिंकिंग के बारे में. सो हम हमेशा बोलते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचना. सो आउट ऑफ द बॉक्स सोचना साउंड्स वेरी फैसिनेटिंग, और लोग बोलते भी आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, आउट ऑफ द बॉक्स. अभी लोगों में बच्चे पूछते सर आउट ऑफ द बॉक्स होता क्या है, होता क्या है? तो सभी वही सोचते. आउट ऑफ द बॉक्स ऐसा कोई टर्म मैं नहीं मानता, कुछ ऐसे होता है. बॉक्स में ही बहुत सारे लेवल है, आपको वो लेवल को तोड़ना है. आउट ऑफ द बॉक्स जाने के लिए इतना स्कोप है
आपके पास इतना स्कोप है, बट थिंक अबाउट वॉट यू कैन डू फ्रॉम विद इन एंड देन यू कैन डू एनीथिंग. स्काई इज द लिमिट फॉर यू. सो हर वक्त ये जरूरी नहीं है कि आपका आइडिया बहुत इनोवेटिव या आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया भी हो. एक छोटा सा आइडिया भी हो अगर आप जिसमें मेहनत करोगे, सो दैट विल गिव यू रिजल्ट. अभी बुक लिखना वॉज नॉट आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग. हजारों लाखों बुक्स पब्लिश होते हैं, बट इफ यू वर्क ऑन द थिंग्स दैट इज ऑलरेडी बीन एस्टैब्लिश्ड, यू विल गेन सक्सेस. इंपॉर्टेंस इज Have a blue sky thinking. That sky is the limit for you. Out of the box होने की जरूरत नहीं है. उस पर dedicatedly काम करो, मेहनत करो, results will happen. अगर नहीं है, repeat that cycle. Results is bound to happen. Truly said. और ये हमारी generation को सीखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ब्लू स्काई थिंकिंग एक बहुत बड़ी सोच है जो हमें रखने की ज़रूरत है. बिकॉज ये जो जनरेशन है, ये जब तक कुछ उन्हें हासिल नहीं होता इन टर्म्स ऑफ मनी, मैं क्यों ना बोलूँ, तो कुछ नहीं करना चाहते, बेच नहीं. बट हमारे टाइम से हम करते आ रहे हैं, तो तब हमें कुछ नहीं मिलता था, हम ऐसे ही करते थे, अपने पैशन के लिए करते थे. तब जाके हम इतने मजबूत हुए, हम इतने केपेबल हुए कि हमें उसका मिलना शुरू हुआ. मुझे ये करके फायदा क्या मिलेगा, देन तो मिसिंग आउट ऑन द लार्जर पिक्चर दैट आफ्टर 10 years व्हाट फायदा कैन यू गेट आउट ऑफ इट. सो इट इज लाइक एकदम आपको इंस्टेंट कुछ नहीं मिलेगा. वर्क फॉर इट. आप रिसेंटली डॉक्टर विकास महात्मे के साथ एक रिसर्च कर रहे हैं, प्लीज जस्ट give a highlight kya so, hai. So Dr. Vikas Mahatme is member of parliament, yes, Rajya Sabha. Yes, but we research jo kar rahe ho aap unke saath. 2 साल से जब से लॉकडाउन शुरू हुआ था, मुझे पब्लिक पॉलिसी में काफ़ी इंटरेस्ट था. सो आई वॉज वर्किंग, बट मुझे पब्लिक पॉलिसी टर्म पता नहीं था. सो मैं उनसे सर से मिला, मैंने कहा कि मैंने ये एजुकेशनल रिसर्च पब्लिश किया है, आई वुड लाइक टू वर्क अंडर यू. सो ही इज लाइक यू कैन बी माई रिसर्च एसोसिएट. सो वेन यू आर रिसर्च एसोसिएट ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आपको ऑल ऑफ अ सडन यू आर एक्सपोज टू मैक्रो लेवल डेटा, राज्यसभा में कैसे काम होता है, क्वेश्चन ऐसे. तो तब मुझे लगा कि मैं जो माइक्रो लेवल पे काम कर रहा हूँ, दीज इटसेल्फ विल मेक अ मैक्रो लेवल डेटा. Yes. So, उनके साथ रिसर्च करके CSR प्रोजेक्ट्स पे काम करना, अलग अलग पब्लिक इम्पोर्टेंस के मुद्दे उठाना, सो अलग अलग. सो उनके साथ अभी 2 साल तक यही काम चल रहा है. सो पब्लिक अवेयरनेस और बढ़ाना, कम्युनिटी एंगेजमेंट बढ़ाना, और एट लास्ट CSR प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करना. ओके. ग्राउंड लेवल पे काफी विजिट करते हो, म्यूनिसिपल स्कूल्स विजिट करियो, एजुकेशन, और खासकर अगर हम म्यूनिसिपल स्कूल्स की बात करें, किस तरह से देखते हो? सो अगेन एजुकेशन जो हम सोचते, बिकॉज हम पढ़े CBSE स्कूल्स में, एजुकेशन फॉर अस इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम वॉट वी ऑब्जर्व इन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन स्कूल्स. हम पढ़े हैं, मैं कॉलेज में पढ़ा हूँ, एसी कॉलेजेस में पढ़े हैं हम. सो वॉट वी परसीव एजुकेशन की, हमें स्किल डेवलपमेंट करना है, हमें रोबोटिक्स पढ़ना है, हमें मास मीडिया. बट जब आप ग्राउंड पे जाते हो, आप एक चीज़ देखते हो कि जो आप सोचते थे ना, एजुकेशन कुछ है ही नहीं वहाँ पे. जहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लैकिंग है, आप स्किल डेवलपमेंट की क्या बात कर सकते हो? सो अभी मेरा प्रयास वही है कि एक अपनी सोच को बदलो, जाके देखो प्रॉब्लम कहाँ पे है. घर बैठे किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं होता. एसी कमरे में बैठ के आप बोल नहीं सकते हो एजुकेशन में हमें ये करना चाहिए. फील्ड विजिट्स करो, वहाँ पे उन बच्चों से बात करो, प्रिंसिपल से बात करो, आसपास पेरेंट्स से बात करो, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है. शायद वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट की जरूरत भी ना हो, शायद वहाँ पे बेसिक लिटरेसी की जरूरत हो, पहले वो फोकस करो. 10 साल बाद शायद आप वहाँ पर स्किल डेवलपमेंट की बात कर पाएंगे हम. सो अभी मेरा एम वही है, जितना ज़्यादा ग्राउंड प्रोजेक्ट्स हो सके वहाँ पर जाओ, विजिट करो, सीखो, वहाँ पर काम करो, और फिर इसको मैक्रो लेवल डेटा, जो जैसे मैं डॉक्टर सर के साथ काम कर रहा हूँ, वहाँ पर इम्प्लीमेंट करो. मुझे लगता है कि एजुकेशन सिस्टम अच्छा चल रहा था, राइट? हम जिस स्कूल्स में पढ़ते थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था. उसको और टेक्नोलॉजी, उसको और एडवांस करने की कोशिश जारी है. बट जो ग्राउंड लेवल पे जहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, अभी लैकिंग समवेयर. सो इन टर्म्स ऑफ इंडिया, इफ वी सी, वी आर अ ह्यूज डेमोग्राफिक नेशन. हमारे पास बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, और अगर लैकिंग, वी वेर इन अ डिफरेंट सिस्टम, बट वॉट एजुकेशन इज, दैट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट सिस्टम. सो बहुत लोग बोलते हैं इंडिया और भारत का डिफरेंस अगर आप समझ जाओगे कि वेयर आर वी लैकिंग. सो वी आर स्पेंडिंग अ सिग्निफिकेंट परसेंट ऑफ आर GDP इन एजुकेशन सेक्टर. But in a country where we have to promote students to come to school, so 60% of our budget goes in that. So आगे जाके quality education की बात is the next thing. So I believe we as a country has to focus on getting children in schools, teaching them the basic things, and then advanced things can happen. So that is why it's a very long process, and we as individuals are trying to make a very minute change in it. Actually, I agree with you, Siddharth. इतने सारे students से मिले हो, हर student की सोच अलग होती है, हर student का
थॉट प्रोसेस अलग होता है. इतने सारे कम से कम 17,000 से प्लस तुम स्टूडेंट से मिल चुके हो और मिलते रहे हो, क्या लगता है क्या सोच दिखती है उनका उनकी? एक IIT का बच्चा जो सोचता है ना, कॉरपोरेशन का बच्चा वही सोचता है. अच्छा? उसके भी वही सपने जो उसके हैं. बट प्रॉब्लम ये है कि सपने जो उसके हैं वो तो शायद पॉसिबल हो जाएंगे, बट जो सपने इसके ये पॉसिबल कैसे होंगे? स्टूडेंट्स आर सेम एनीवेयर यू गो, इट्स जस्ट द अपॉर्चुनिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनीथिंग दैट यू गिव. सो आई बिलीव एवरी स्टूडेंट इज पैशनेट अबाउट इट. नाउ वी एज अ सोसाइटी, दिस इज अ टास्क कि वो जो अपॉर्चुनिटीज है वो हम इक्वली कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर पाए. सो हम NMC स्कूल्स में ये ट्राई कर रहे हैं कि नागपुर में अगर हम उनको कोई अपॉर्चुनिटी दे पाए, हाँ शायद बाहर नहीं दे पाए बट नागपुर में हम उनको क्या दे पाए. एवरी स्टूडेंट इज स्पेशल, एवरी चाइल्ड इज स्पेशल. सो माई एम इज दैट कि सबको इक्वली ट्रीट करके मेरे पर्सनल लेवल पे जितना हो सके वर्क विद देम इन ऑलवेज. आपके क्या एक्सपेक्टेशंस है सोसाइटी को लेकर, इन द सेंस इन एनी आपका जो पर्सपेक्टिव है उससे अगर कहें तो आपकी सोसाइटी से क्या एक्सपेक्टेशंस है? आई बिलीव द ओनली थिंग विच आई बिलीव दैट द मेजर एक्सपेक्टेशन इज दैट द एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी हमें सोसाइटी में. बिकॉज इन एनी फील्ड, टॉक अबाउट एनी फील्ड, एजुकेशन से लेकर एनी फील्ड, अगर 90% नहीं मिला दैट स्टूडेंट इज नॉट बैड, अगर इसको इंजीनियरिंग नहीं मिला दैट स्टूडेंट इज नॉट बैड, डॉक्टर नहीं मिला तो बहुत स्कोप है. हमें एक्सेप्टेबिलिटी, हमें इंक्लूसिव सोसाइटी बनाना पड़ेगा जहाँ पे सब तरीके के लोग एक साथ रह पाए. इट्स नॉट लाइक आइसोलेटिंग, इट्स नॉट लाइक फर्स्ट बेंच लास्ट बेंच वाला थिंग, इट हैज टू बी अ होलिस्टिक एंड अ वेरी इंक्लूसिव सोसाइटी. एंड वेन वी अचीव दैट मॉरल और सारे चीजों में वी आर ऑलरेडी सॉर्टेड. आई अग्री ऑन दिस एज वेल. ब्लॉगिंग भी करते हो सिद्धार्थ, एंड नाउ देयर इज अ न्यू ट्रेंड इन द सोसाइटी एंड आफ्टर कोविड आई थिंक वो बहुत बढ़ता जा रहा है. देर आर सो मेनी इन्फ्लुएंसर्स आउट देयर, देर आर सो मेनी ब्लॉगर्स आउट देयर हर एक फील्ड में. व्हाट डू यू थिंक कि जो ब्लॉगिंग है ये एक नेक्स्ट लेवल, एक नेक्स्ट जेन का एक प्लेटफॉर्म है? डेफिनेटली है. हम बात कर रहे थे कि पहले लोग स्टूडेंट्स अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इंडिविजुअल्स अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बट आज अगर आप जनरेशन देखोगे इट्स ऑल अबाउट ब्लॉगिंग, इट्स ऑल अबाउट द न्यू डिजिटल एज. मैं अगर मुझे कुछ बोलना रहेगा मैं कैसे बोलूँ, हर वक्त तो बुक नहीं लिख सकते हो. सो आई ब्लॉग विद टाइम्स ऑफ इंडिया, राइट फॉर देम. सो मैनी स्टूडेंट्स, मैनी इंडिविजुअल्स आर कमिंग फॉरवर्ड इन देयर ओन यूट्यूब वीडियोज, इन देयर ओन राइटिंग पोएम, इंस्टाग्राम, दे आर ऑल कमिंग फॉरवर्ड. सो दिस इज द चेंज व्हाट वी रिक्वायर्ड, इट्स द चेंज वेर वी एक्सप्रेस आर ओपिनियंस एंड दिस इज अ change we are living in right now. I believe we are living in a genesis and this is just the start of it and blogging has created this and we have that right to speak, right? We have that right to speak. Hamara khud ka hum page create kar sakte hain, aap apne thoughts wahan rakh sakte hain, maybe ye thoughts shayad kisi ke sath match ho, wo aapko support kare aur ye jo chain hai wo badhti jati hai and isiliye aajkal jo influencers hain, bloggers hain, wo itna acha kar rahe hain because hub har kisi ke beech pe, har kisi ke field pe, har kisi ke genre they are working so good. Absolutely. Economics तुम्हारा फेवरेट है एंड सस्टेनेबल इकोनॉमी के बारे में तुम हमेशा बात करते हो, इसके बारे में तुमसे कुछ सुनना चाहूंगी. बिकॉज आई बिलीव इकोनॉमिक्स इज द क्रक्स ऑफ एनी थिंग यू डू. आप एजुकेशन में काम करो, आप किसी चीज में भी काम करो, विदाउट फाइनेंशियल एड नथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग हैज टू फेल. एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक्स इज द वे टू लिव फॉरवर्ड बिकॉज नाउ इकोनॉमिक्स कैनॉट बी सीन इन अ पोलराइज्ड वे. लाइक अ सोसाइटी हैज टू बी सस्टेनेबल, लाइक एनवायरमेंट हैज टू बी सस्टेनेबल, इकोनॉमिक्स ऑल्सो हैज टू बी सस्टेनेबल फॉर दैट. सो दैट इज वाई हैव एनरोल्ड माई सेल्फ इन इग्नूज बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स प्रोग्राम टू लर्न मोर अबाउट इकोनॉमिक्स बिकॉज आई बिलीव एनी थिंग एंड एवरी थिंग यू डू इज लिंक्ड विद इकोनॉमिक्स. एंड आपको अगर कोई प्रोजेक्ट को सस्टेनेबल बनाना है कि आज से 10 साल बाद भी ये प्रोजेक्ट चले तो सस्टेनेबिलिटी इज द मेन की. बहुत जरूरी. सो इकोनॉमिक्स इज एवरीथिंग. सो कोई बोलेगा आगे व्हाट आर योर प्लान्स सिद्धार्थ, सो मेनी थिंग्स इन योर प्लेट, आई थिंक इट्स लाइक इट्स अ फुल प्लेट, व्हाट आर योर प्लान्स? सो ऐसे बोलने के लिए तो मैं बोल सकता हूँ मुझे आगे जाके पब्लिक पॉलिसी पढ़ना है, ये पढ़ना है, बट टेक्निकली देयर इज नो प्लान. ओके, जस्ट फोकस ऑन माइक्रो लेवल थिंग्स. Those have given me right now. Chain reaction has happened like till now. Focus on that. And it happens. It happens. Work. It's not like without working you will achieve. Work आपको जितना काम करना है, have छोटे छोटे micro level plans. That what I'm doing right now. And macro level picture keeps changing. I want to pursue public policy, but आज से 5 साल बाद शायद वो ना भी possible हो. शायद entire like COVID किसने सोचा था COVID आएगा? The entire thing has changed. तो आज से मैं 5 साल सोच के कि मेरे को ये 5 साल बाद बनना है. Cannot now do that. But you must be having some bucket list ना. बकेट लिस्ट इज स्टडी पब्लिक पॉलिसी, लर्न पब्लिक पॉलिसी एंड प्रैक्टिस पब्लिक पॉलिसी. सो फॉर दैट वर्क ऑन दीज माइक्रो लेवल पॉलिसीज. बट वो बकेट लिस्ट जब मौका मिले देन एग्जीक्यूट करो. अभी तो वो बकेट सोच के क्या रखा है, अगले पल क्या होने वाला ये तो हमें भी नहीं पता. एंड दैट आई एम सो प्राउड ऑफ यू. लास्टली जा जाता है, आप यूथ को बार बार हम फोकस करें, उनसे क्या कहना चाहोगे?
आई वुड जस्ट फोकस लाइक जो भी ये चीज़ें सुन रहे हैं आई वुड जस्ट फोकस कि फोकस ऑन फोर थिंग्स लाइक मैंने जो मेरे जर्नी से सीखा है दैट इज़ नॉलेज को हम बहुत बार इग्नोर करते हैं बिकॉज वी आर वेरी इग्नोरेंट टूवर्ड्स नॉलेज एंड सोशल मीडिया का एक लाइक कौन ये भी है कि आप सिर्फ हेडलाइंस पढ़ते हो आप डिटेल्स में नहीं जाना चाहते हो और बहुत बार हम ये भी सोचते कि पढ़ के क्या होगा देख के क्या होगा किसी और के ओपिनियन सुन के क्या होगे टेक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म रीड मोर राइट मोर नेटवर्क मोर फोकस ऑन नॉलेज सेकेंड वुड बी एक्सप्लोरेशन वंस यू हैव नॉलेज वंस यू आर एम्बेडेड लाइक वेन वंस यू आर एम्बेडेड विद नॉलेज एक्सप्लोर करो जितना हो सके अपने आप को एक नेटवर्क बनाओ अपने दोस्तों का अपने रिलेटिव्स का अपने लोगों का जो चीज़ सेम चीज़ आपके लाइक माइंडेड पीपल का वर्क वर्क फॉर द सोसाइटी वर्क फॉर द ग्रेटर कॉज डू एवरीथिंग दैट यू वॉन्ट टू डू बट ऑलवेज बिलीव यू हैव अ नैक टू गिव बैक टू द सोसाइटी थर्ड वुड बी मॉरल्स एंड वैल्यूज आई बिलीव कि ये दुनिया में जितने भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है सबका बेसिक सोल्यूशन हो सकता है कि मॉरल साइंस के फोर्थ स्टैंडर्ड का बुक जो हमने छोड़ दिया था उससे लिंक हो सो फोकस ऑन एथिक्स एंड मॉरल्स एंड लास्ट वुड बी लाइक गो ऑल आउट हैव अ ब्लू स्काई थिंकिंग एंड लव व्हाट यू डू डू नॉट थिंक कि लोग क्या कहने वाले क्या नहीं कहने वाले डू व्हाट यू वांट टू डू फेल हो टेक द ब्लेम ऑन योरसेल्फ एंड अगेन वर्क किसी और से और को ब्लेम देने से अच्छा तो वो ब्लेम खुद पे लूँ मैं फेल हुआ सो व्हाई नॉट टू टेक दैट ब्लेम ये लेके काम करो एंड इफ दीज फोर थिंग्स आर सॉर्टेड आई एम वेरी श्योर यू ऑल विल डू वेल इन योर ओन फील्ड्स Listen to your words, Siddharth. I feel more proud of you each and every day. All the best for your future. All the best for your future projects. I hope ki tum society ke liye bahut acha kaam karo jis tarah tum kaam kar rahe ho. And I hope tumhare future jo projects hain wo isi tarah successful ho. Wishing you all the very best. Give me some sunshine. Give me some rave. Give me another chance. I want to grow up once again. ये लाइन सुनी होगी कई बार दोहराई होगी पर अगर आप खुद ही को चांस नहीं देंगे खुद ही को एक्सप्लोर नहीं करेंगे स्टार्ट एक्सप्लोरिंग इन द थिंग्स यू वांट टू एक्सप्लोर इन द थिंग्स यू आर इंटरेस्टेड इन आप बस करते रहिए आपको ज़रूर सफलता मिलेगी आप ना बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं चीज़ों को बहुत नेगेटिवली ले लेते हैं बहुत जल्दी अग्रेसिव हो जाते हैं बहुत जल्दी वायलेंट हो जाते हैं बट मैं कहूँगी कि इन सारी चीज़ों से ना आपके जो गोल्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा हैमर हो जाएंगे आपके जो जो आपकी बकेट लिस्ट है आपकी जो चीज़ें हैं जो आपके सपने हैं ना वो हैमर हो जाएंगे तो छोटी छोटी बातों को ना अवॉइड करना शुरू कर दीजिए स्टार्ट एक्सप्लोरिंग स्टार्ट गिविंग यू योर सेल्फ अ चांस दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ एपिसोड मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ दीजिएगा इजाज़त नमस्कार